प्रदेश में मॉनसून की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान से मॉनसून की विदाई भी हो गई है, पर इस बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा, तमिलनाडु तक देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के मौसम में बदलाव से पिछले कुछ दिनों से जारी उमस में थोड़ी बहुत कमी भी आई है और तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। नई दिल्ली के मौसम का हाल IMD के अनुसार माने तो 26 सितंबर को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज नई दिल्ली में बादलों का डेरा रहने वाला है और उमस से राहत भी मिली रहेगी। अब आइए जानते हैं कि दिल्ली में बारिश होगी या नहीं। दिल्ली NCR में बारिश का दौर लगभग खत्म होने को है और इसी के साथ उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशान भी होना पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने वाला है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा मापा गया, जबकि दिल्ली में आमतौर पर सितंबर के दूसरे पखवाड़े से हल्की सर्दी का एहसास होने लगता है, लेकिन इस बार अगस्त और सितंबर में सामान्य से कम बारिश के चलते गर्मी और उमस ने लोगों को खूब परेशान किया। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से अब बारिश का दौर लगभग खत्म हो गया है, हालांकि अभी भी कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अभी भी कई जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं यूपी के मौसम का अगर हाल बताएं तो लखनऊ में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। आसमान में थोड़े बहुत बादल भी छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश की हल्की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, पूर्वी गुजरात और दक्षिण पूर्व राजस्थान में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, सौराष्ट्र में भी बारिश की स्थिति बनती दिख रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी मॉनसून धीमा पड़ गया है। भारी बारिश की बजाय हल्की बारिश होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून समेत ज्यादातर जिलों में आंशिक बादल छाए रहने से लेकर चटक धूप खिलने की भी उम्मीद है। उत्तराखंड में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और इस दौरान गढ़वाल के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य में 26 सितंबर से मौसम साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि कुछ पर्वतीय जिलों में बारिश भी हो सकती है और देहरादून में मंगलवार को सुबह से बादलों का असर भी दिखाई पड़ेगा। दिन में धूप निकली रहेगी और उसके चलते तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शाम को हल्का ठंडा मौसम होगा और रात में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। इस तरह का मौसम हरिद्वार और मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।